दोस्तों वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो है इट्स ऑल अबाउट 5000 की रेंज के फ़ोन, मतलब कि जो 5000 से नीचे नीचे एंड्रॉयड स्मार्टफोन आते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। लेकिन इसके अलावा दो बातें जो मेरे दिमाग में बहुत मतलब घूम रही हैं वो मेरा बहुत ज़रूरी है शेयर करना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। पहली बात तो 5000 की रेंज में जो भी कोई स्मार्टफोन लेना चाहता है उसके पीछे दो रीज़न होंगे, या तो वो किसी को गिफ्ट करना चाहता है या फिर वो 5000 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में बहुत रिसर्च करना और उसके बाद कुछ छाट के फ़ोन जो है वो आपको दिखाना। तो ये मेरी काफ़ी जिम्मेदारी बन गई है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि 5000 की रेंज के अंदर मतलब चाहे वो 3000 हो, 2000 हो या 4000 की रेंज हो, मतलब 5000 से नीचे नीचे हो तो बेस्ट फ़ोन आपको दिखाया जाए ताकि आपके पैसे की पूरी वैल्यू आपको मिले। दूसरी बात मैं अगर करूँगा तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भारत का फ़ोन, इंडिया का फ़ोन, रेडमी इंडिया का फ़ोन और ये और वो, और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसा कहते हुए कि 5000 की रेंज में उनका कोई फ़ोन ही नहीं है। मतलब एक फ़ोन का आता था 4999 रुपये का, लेकिन उसका भी रेट उन्होंने बढ़ा के 5999 रुपये कर दिया है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि ये इंडिया का फ़ोन है और दूसरी बात जो है कि इंडिया के अंदर 70% से भी ऊपर जो लोग हैं जो महंगे मतलब कि स्मार्टफोन जो है नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसे में उनका ये ड्यूटी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 5000 की रेंज के अंदर जो बेसिक 5000 की रेंज जो आती है उसके नीचे वो एक ढंग का फ़ोन इंडिया के अंदर अवेलेबल करा सके। और दोस्तों अगर और कंपनी ऐसा कर सकती है तो रेडमी क्यों नहीं कर सकती। तो मेरा बड़ा इस चीज़ का मुझे दुख हुआ ये बात देख के कि उन्होंने 5000 की रेंज के अंदर एक अच्छा फ़ोन जो है इंडिया के अंदर नहीं लेके आए हैं और इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन वो बन गए हैं। खैर मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा दोस्तों और स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो मैं फ़ोन की बात करूँगा वो है 1999 रुपये के अंदर 4G वोल्टी फ़ोन है, ड्यूल सिम इसके अंदर आपको मिलेंगे, दोनों के दोनों 4G को सपोर्ट करते हैं और ये शायद वर्ल्ड का चीपेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन अगर मैं कहूँगा या फिर 4G वोल्टी फ़ोन कहूँगा तो ये सबसे चीपेस्ट फ़ोन होगा। इस फ़ोन का नाम है स्वाइप कनेक्ट नियो 4G और इसके अंदर आपको 1.5 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। इसके अंदर आपको मिलती है 512 MB की रैम और 4 GB की इंटरनल स्टोरेज जिसको आप 32 GB तक बढ़ा सकते हैं। 4G प्लस 4G मतलब दोनों सिम आपको 4G की मिलने वाली है। 5 MP का इसके अंदर आपको मेन कैमरा मिलेगा, मतलब रियर कैमरा मिलेगा विद फ्लैश। 1.3 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 2000 mAh इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी। एंड्रॉइड का 6 यानी कि मार्शमेलो आपको इस अंदर मिलने वाला है। 4 इंचेस की इस अंदर आपको WVGA स्क्रीन आपको इस अंदर मिलने वाली है। दोस्तों जैसा प्राइस देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि 2000 से भी नीचे ड्यूल 4G आपको सपोर्ट वाला वोल्टी सपोर्ट वाले आप जियो की सिम भी इस अंदर आप चला सकते हैं, फ़ोन आपको मिल रहा है तो प्राइस काफ़ी अमेजिंग है। लेकिन जहां पर प्राइस बहुत ज़्यादा कम होते हैं आपको आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि आपको लिमिटेशन भी उसके अंदर मिलने वाली है। तो इससे बहुत कुछ तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एक छोटी स्क्रीन वाला ये फ़ोन है 4 इंचेस का। अगर बहुत ही बेसिक आपका इस्तेमाल है, अगर आपको फ़ोन करना है सुनना है, बहुत ही बेसिक आपको गेम खेलनी है, नॉर्मल बहुत ही बेसिक आपको पिक्चर्स आपको क्लिक करनी है तो मतलब बेसिक काम के लिए ही आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मेरा सिर्फ कहने का पर्पस ये था अगर आपको बहुत नॉर्मल काम है और 2000 का आपका बजट है तो ये वर्ल्ड चीपेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है 4G का, आप इसके लिए जा सकते हैं। दोस्तों दूसरे अगर मैं 4G फ़ोन की बात करूँ एंड्रॉयड की तो 4000 रुपये का ये फ़ोन आता है लाइफ का। यह है लाइफ C451 यानी कि लाइफ C451। इसके अंदर आपको 2800 mAh की बैटरी मिलती है। 1 GB की इसके अंदर आपको रैम मिलती है। 8 GB की इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलती है जिसको आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। 4.5 इंचेस की यानी कि 4.5 इंचेस की आपको FWVGA स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलने वाली है। 5 MP का आपको रियर कैमरा मिलेगा। 2 MP के अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 200 सीरीज़ का यानी कि 212 का आपको MSM 8909 का आपको प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप एक ठीक ठाक ब्रांड के लिए जाना चाहते हैं क्योंकि लाइफ का आपको सर्विस अच्छा मिल जाएगा, ये रिलायंस डिजिटल स्टोर पे आपको इजीली अवेलेबल हो गया, फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। लाइफ की सर्विस ठीक ठाक है, आप इस फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि फ़ोन मैंने लेना है, 4000 की मेरी रेंज है और 1.5 साल मेरा फ़ोन आराम से चल जाए तो आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों तीसरे अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो समझ लीजिए मेरा फेवरेट फ़ोन है और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट फ़ोन है अंडर 5000 की रेंज के अंदर। 4999 रुपये का ये फ़ोन है, अमेजोन की साइट पर मिल जाएगा। 10D इस मॉडल का नाम है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 1.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। साथ ही आपको मिलेगा एड्रेनो का 308 का GPU यानी कि आप इसके अंदर गेम भी ठीक ठाक खेल सकते हैं। ये क्वाड कोर प्रोसेसर है दोस्तों और 5.2 इंचेस की आपको HD IPS डिस्प्ले मिलने वाली यानी कि 1280x720। काफ़ी अच्छा इसका डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड का 7.1.2 यानी कि नोगेट इसके अंदर आपको मिलने वाला है। 2 GB की आपको इसके अंदर रैम मिलेगी और 16 GB की इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। जो स्टोरेज है उसको आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं तो इनफ स्पेस आपको काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर मिल जाएगा। 3500 mAh की बैटरी आपको सफिशियंट एक दिन का आपको बैकअप दे देगी।
फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर आपको मिलने वाला है, मतलब सेफ्टी का भी आपके अंदर ध्यान रखा गया है। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ओटीजी सपोर्ट इसके अंदर आपको मिलने वाला है, जो कि काफी एक अच्छी बात है इस रेंज के अंदर। प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस इधर आपको मिलेगा, ड्यूल सिम सपोर्ट मिल रहा है 4G का, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलने वाला है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। देखा जाए तो 5000 की रेंज में मेरा ये मानना है कि ये लगभग सबसे बेस्ट फोन है। अगर आपका बजट एग्जैक्टली 5000 का है या 4999 ₹1 कम है, तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जरूर जाइएगा। अमेजोन की वेबसाइट पे ये फोन अवेलेबल है और ये मेरी श्योरिटी है कि ये फोन आपको वैल्यू फॉर मनी जरूर देगा। दोस्तों, इससे अगले फोन की अगर बात करूं तो वो फोन है नोकिया का फोन, और ये फोन भी आपको 5000 का ही, मतलब लगभग 5000 की रेंज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और जो लोग फोन वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं नोकिया कितना अच्छा ब्रांड है, मतलब आप इस पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो शुरुआत करते टाइम भी बोला कि मेरा पूरा फोकस है कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिले, और जो भी ब्रांड मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर आपको डेफिनेटली, मतलब जब आप उस फोन को ले रहे हो तो आपको ये फील ना आए कि मेरे को किसी ने गलत गाइड करा है। इसलिए नोकिया के इस फोन के लिए भी आप जा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको 4.5 इंचेस की आपको इसके अंदर स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि 480x854 के पिक्सल्स में काम करती है। 5 मेगापिक्सल का इसके अंदर रियर कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा जो कि ठीक ठाक पिक्चर ले लेती है। 2150 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी। इसके अंदर आपको मीडिया टेक का 6737 का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। साथ ही आपको माली T720 का आपको GPU मिलेगा, नॉर्मल नॉर्मल गेम आप इसके अंदर खेल सकते हैं। अच्छी बात यह है इसके अंदर आपको एंड्रॉयड का ओरियो 8.1 मिलता है, 1 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी और 8 GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी, जिसको आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। एक कोन की अगर बात करूँ तो ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि अगर आपने दो सिम लगा ली तो आप अलग से इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। 131 ग्राम का इसका वेट है, तो ज़्यादा वेट भी नहीं है, एक ठीक ठाक सा फ़ोन है, नोकिया का ब्रांड है, काफ़ी ट्रस्ट आप इस पर कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट 5000 का है तो आप इस फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगले अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो वह है पैनासोनिक का P99। इस फोन के अंदर आपको 2 GB की रैम मिलती है और 16 GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलती है, जिसको आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। 5 इंचेस की आपको HD स्क्रीन मिलेगी, यानी 1280x720 पिक्सल की आपको स्क्रीन मिलने वाली है। 8 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। दोनों ही कैमराज के अंदर आपको 2.2 का अपर्चर मिलने वाला है। 2000 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी और मीडिया टेक का 6737 1.25 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलने वाला क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा। इसके बॉक्स के अंदर आपको स्क्रीन गार्ड अलग से मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी इसके अंदर आपको थोड़ी सी मिल जाती है। ईयरफोन इसके अंदर साथ में मिल जाएगा, तो आप FM का भी इंजॉय कर सकते हैं। ड्यूल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आप दो सिम लगाने के बाद अलग से मतलब मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बाकी ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह सर्विसेज इसके अंदर मिलने ही वाली है। एंड्रॉयड का 7 यानी कि नोगट इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा लुक है फोन का, एक अच्छा ब्रांड है, एक फर्म ग्रिप है, अगर आप देखेंगे तो फोन की काफी अच्छी ग्रिप है। और अगर प्राइस की बात करूं तो ₹4,750 का ये फोन है, लगभग 150 ग्राम का ये फोन है। दोस्तों, अगर आपका बजट लगभग 4.5 से 5 के बीच में है तो आप इस फोन के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगले या आखिरी फोन की बात करूं, वैसे फोन तो काफी सारे थे दोस्तों, लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट कर दिया है अपनी लिस्ट को। अगले अगर मैं फोन की बात करूं तो वह है माइक्रोमैक्स का कैनवस 5। ये अकेला ऐसा फोन है जो 5000 की रेंज के अंदर आपको 3 GB की रैम देता है। प्राइस इसका ₹4,999, 3 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 16 GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी, 5 इंचेस की आपको HD स्क्रीन मिलने वाली है, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 2000 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी, मीडिया टेक का 6735 यानी क्वाड कोर प्रोसेसर, वही 1 GHz की फ्रीक्वेंसी वाला आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मालिका 400 का GPU होता है। नॉर्मल गेम आप इसके अंदर खेल सकते हैं। ये वुडन फिनिश के अंदर मिलता है, काफी अच्छी इसकी लुक है, जो लाइट स्पेशल एडिशन की बात कर रहा हूँ। एंड्रॉइड का लॉलीपॉप वर्जन इसके अंदर आपको मिलेगा 5.1। मेमोरी कार्ड आप अलग से लगा सकते हैं, यानी कि दो सिम लगाने के बाद भी अलग से आप मेमोरी इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। देखिए, माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है, ठीक ठाक फोन ये निकालते हैं, अभी तक रिस्पेक्ट इन्होंने थोड़ी थोड़ी बनाई हुई है, सर्विस सेंटर भी है, तो सर्विस भी इसकी आपको मिल जाती है। तो अगर आपका बजट 5000 की तक की रेंज का है तो आप इस फोन के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये थे वो फोन जो मैंने अपने पसंद से मतलब ढूंढ के मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको कोई गलत फोन का ओपिनियन ना दूं या किसी भी तरीके से कोई गलत फोन आपको सजेस्ट ना करूं। हालांकि जो फोन 2000 की रेंज में है उसमें आप समझिएगा कि बहुत लिमिटेशन है, उम्मीद करता हूं आप भी इस चीज को समझेंगे। ये थे वो फोन जो 5000 की रेंज में मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।